हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल है जी आप लोगों के। हाँ जी, आई होप सो सब बढ़िया होंगे। माय सेल्फ वरुण जैन एंड स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। सीए इंटरमीडिएट अकाउंटिंग की रिवीजन हम कर रहे थे, तो आज हम उसी रिवीजन को आगे बढ़ाएंगे। आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं, दैट इज फोर टॉपिक्स हम लोगों को कवर करने हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, AS1, AS11 एंड AS16। मैंने आप लोगों को बोला था कि लास्ट वीडियो में आप लोगों को बोला था कि ये चैप्टर्स रिवाइज करके आना। आई होप सो थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा, और अभी तक जितने भी हमने पार्ट्स टॉपिक्स करे हैं उन सबको आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती चली जाए। और अगर अभी तक आपने एक भी रिवीजन लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले ऊपर आई बटन में आपको रिवीजन प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो सारी वीडियोस आप चेक कर लीजिए, देन यू कैन कंटिन्यू टू फॉलो दिस सीरीज। ठीक है जी, तो काफी सारे टॉपिक्स तो हम कर चुके हैं, तो इन चार टॉपिक्स को हम आज स्टार्ट करेंगे। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, AS1, 11 एंड 16। स्टार्टिंग विद रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। हाँ जी, हेडिंग डालिए जी, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, हाँ जी, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाई? बिकॉज इस टॉपिक में आ गई हैं अमेंडमेंट्स। इस टॉपिक में क्या आ गई है? अमेंडमेंट्स। देखिए, अमेंडमेंट अगर देखा जाए तो कोई ऐसी बहुत लंबी चौड़ी अमेंडमेंट नहीं है, इवन स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अमेंडमेंट है। चैप्टर हो गया है छोटा। पहले ये चैप्टर होता था बहुत बड़ा, इसमें कई सारे क्वेश्चंस थे, कई सारे कॉन्सेप्ट्स थे। इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, इसमें से कई सारे कॉन्सेप्ट्स को रिमूव कर दिया, क्योंकि उन सब कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ही खत्म हो गई है। कंपनी में देखिए, कंपनीज के शेयर एंड डिबेंचर रूल्स होते हैं, उन शेयर डिबेंचर रूल्स में कुछ अमेंडमेंट्स आई, जिस अमेंडमेंट्स की वजह से इंस्टीट्यूट को ये चैप्टर रिवाइज करना पड़ गया है। तो रिवाइज अगर कर दिया चैप्टर, तो इस चैप्टर में से कई सारे टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है, और कई सारे क्वेश्चंस को, टॉपिक में बेसिकली ना बोलूं, क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर बहुत लाइट हो गया है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पहले भी इंपॉर्टेंट था, आज भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब पढ़ना आसान हो गया। पहले बच्चों को जनरली इस चैप्टर में थोड़ा सा डर लगा करता था, घबराहट होती थी कि ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है या थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन अब तो बहुत सिंपल हो गया है, कुछ भी नहीं रह बचा इस चैप्टर में। एक आपने कई बार उड़ती उड़ती कुछ खबर सुनी होगी, सर क्या सिंकिंग फंड टॉपिक डिलीट हो गया? सिंकिंग फंड सुनते हैं ना डिबेंचर्स, अगर जिस बच्चों ने पढ़ा होगा, तो सिंकिंग फंड टॉपिक क्या डिलीट हो गया? देखिए, सिंकिंग फंड टॉपिक डिलीट नहीं हुआ, लेकिन वो थोड़ा छोटा हो गया। इंस्टीट्यूट ने कई सारे क्वेश्चंस उसमें से रिमूव कर दिए, तो वो चैप्टर, वो टॉपिक थोड़ा सा आपका हल्का हो गया। ठीक है जी, तो खैर मैं आपको सारी चीजें अभी, आप धीरे धीरे करते चलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। रिडेम्पशन मीन्स, हाँ जी बताइए, रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर इज अ सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। कंपनी ने सिक्योरिटी, शेयर्स वगैरह इशू करता है, वैसे कंपनी डिबेंचर भी इशू करती है, लेकिन डिबेंचर के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो एक तरीके के लोन वाले होते हैं। लोन है तो सर लोन पे इंटरेस्ट भी होगा और लोन की रीपेमेंट भी होगी। सेम गोस फॉर डिबेंचर। डिबेंचर है तो डिबेंचर की रीपेमेंट भी होगी और डिबेंचर पे इंटरेस्ट भी होगा। रीपेमेंट का टेक्निकल नाम आता है जी रिडेम्पशन। अब समझेंगे कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स होती किस तरीके से है। रिडेम्पशन करने के तीन मेथड है, मेथड ए, मेथड बी एंड मेथड सी। मेथड ए इज लंप सम रिडेम्पशन। लंप सम मींस एक ही बारी में पैसा लौटा दिया, जब मन करा एक ही बारी में पैसा क्या करा जी, डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा लौटा दिया। एक होता है जी पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट मींस टुकड़ों में पैसा लौटा रहे हैं, जैसे हर साल थोड़े 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 डिबेंचर्स रिडीम होते चले जा रहे हैं। और एक होता है पेमेंट बाय कन्वर्जन। कन्वर्जन मींस डिबेंचर होल्डर्स को कैश नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। देखिए, ये कन्वर्जन की जो टर्म्स होती है, ये एट द टाइम ऑफ इशू स्पेसिफाई कर दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कन्वर्टिबल का मतलब क्या हुआ कि जो पेमेंट होगी वो इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स होगी, इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होगी, इन द फॉर्म ऑफ अदर सिक्योरिटीज होगी। That is known as payment by conversion. तो ये तीन मेथड है हमारे पास, या तो लमसम में रिडीम कर दो, या किश्तों में इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम कर दो, या कन्वर्ट करके क्या कर दो जी, रिडीम कर दो। स्टार्टिंग विद लमसम रिडेम्पशन। देखिए, लमसम रिडेम्पशन में होगा क्या, एंट्रीज में कोई ज्यादा चेंज नहीं है, एंट्रीज तो वही है। देखिए, एंट्री अगर मैं बनाऊं तो एंट्री क्या बनेगी,
डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं तो परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। अब देखिए डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं तो वो डेबिट हो जाएंगे। अगर मान लो डिबेंचर्स जो रिडीम हो रहे हैं दैट इज एट प्रीमियम, एट प्रीमियम अगर रिडीम हो रहे हैं तो प्रीमियम बीइंग एक्सपेंस फॉर द कंपनी तो प्रीमियम भी डेबिट होगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये प्रीमियम डेबिट हो गया टू डिबेंचर होल्डर्स, टू डिबेंचर होल्डर्स। एंड सेकेंड एंट्री विल बी, अब डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करी जाएगी, दैट इज डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या बनेगी, एंट्रीज बनेंगी एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। और एक चीज याद रखना, इंटरेस्ट विल बी पेड अप टू द डेट ऑफ रिडेम्पशन। ये ऑब्वियस सी बात है, लोन है एक तरीके से, भाई जिस दिन आप लोन पे करोगे, रीपे करोगे, उस दिन तक का तो ब्याज आपको देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सेम गोज फॉर डिबेंचर, कि जिस दिन आप डिबेंचर्स की रिडेम्पशन कर रहे हो उस दिन पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, भले ही इंटरेस्ट अभी ड्यू हुआ है या नहीं हुआ। सर ये ड्यू हुआ है या नहीं हुआ क्या मतलब हुआ, देखिए मान लो कंपनी की जो पॉलिसी है वो क्या है कि हर छह महीने बाद कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करती है। मान लो अगर फर्स्ट अप्रैल से डेट शुरू होती है तो छह महीने कब होंगे जी, जुलाई को, यानी कि एक इंटरेस्ट की डेट 31 जुलाई को होगी और एक इंटरेस्ट की डेट क्या होगी, 31 मार्च होगी। ठीक है, मान लो कंपनी इसके बीच में रिडेम्पशन करती है, लेट अस से कंपनी रिडेम्पशन करती है 30th सितंबर को, तो 31 जुलाई का तक का तो इंटरेस्ट पे हो गया। ये जो तीन महीने है, ये जो तीन महीने है, इन तीन महीनों का डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ऑन दिस डेट, और ये डेट पे हमारी क्या हो जाएंगी, ये दोनों एंट्रीज भी पास हो जाएंगी। क्लियर है जी, दिस इज व्हाट, दिस इज लम सम रिडेम्पशन। ओके, अगला आता है, सेकंड इज, अगर पेमेंट हो रही है, अगर पेमेंट हो रही है इन इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होती है। अब इंस्टॉलमेंट हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो आता है ड्रॉ ऑफ लॉट्स, ड्रॉ ऑफ लॉट्स मतलब कंपनी अपनी मर्जी से डिबेंचर का लॉट उठाती है और रिडीम कर देती है। तो सेम एज केस वन, जो हमने केस वन में एंट्री पास करी है, जो ये वाली एंट्रीज पास करी है, ये दोनों एंट्रीज पास होंगी एंड इंटरेस्ट का भी सेम पॉइंट रहेगा कि इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ रिडेम्पशन तक पे हो जाएगा। दूसरा आता है जी ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये ध्यान देना अच्छे से, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है कि कंपनी अपने डिबेंचर मार्केट से खरीद लेती है एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पे, कंपनी अपने ही डिबेंचर को क्या करती है, मार्केट से खरीद लेती है एज अ इन्वेस्टमेंट। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा कि हम इन्वेस्टमेंट्स खरीद लेते हैं, जैसे आपने शेयर्स में देखा होगा शेयर्स बायबैक हो जाते हैं, वैसे कंपनी क्या करती है अपने डिबेंचर्स को मार्केट से परचेज कर लेते हैं। तो एंट्री क्या डालेगी कंपनी, एंट्री डालेगी, एंट्री विल बी या तो लिख दो ओन डिबेंचर्स, एक अलग अकाउंट बना दो, ओन डिबेंचर्स अकाउंट बना दो, या फिर अपने परसेंटेज डिबेंचर्स को यूज कर लो, ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट या 2% या परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब मुझे बताइए जब आप परचेस करेंगे तो जिससे आपने परचेस करे उसको पैसे पे करेंगे, उसको क्या करेंगे, पैसा पे करेंगे, तो ये आपने पैसा पे करने की एंट्री डाल दी। अब मुझे बताइए 100 रुपए का डिबेंचर जब कंपनी मार्केट से खरीदने जा रही है क्या उसको वो 100 का ही मिलेगा, क्या उसको वो 100 का ही मिलेगा, आंसर इज नो, उसको वो सस्ता मिल जाएगा। क्या मिलेगा जी, सस्ता मिल जाएगा, 96 में 98 रुपीज में वो मिल जाएगा। तो कंपनी उस हिसाब से एंट्री कर लेगी और जिस दिन तक, जिस दिन पे परचेज हो रही है उस दिन तक का इंटरेस्ट भी कंपनी अब क्या करेगी, इंटरेस्ट भी कंपनी पे करेगी टू जिससे खरीदा है, टू इन्वेस्टी, इन्वेस्टी मीन्स जिससे खरीदा है। ठीक है जी, और प्रॉफिट हो जाएगा तो वो प्रॉफिट कहां चला जाएगा, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ डिवेंचर। मान लो 100 रुपए का डिवेंचर था, कंपनी ने 96 रुपीज में खरीद लिया, तो डिवेंचर तो 100 रुपए का खत्म हुआ, बैंक से 96 गए और 4 रुपए का क्या हो गया जी, प्रॉफिट हो गया। और इस 100 रुपए पे, इस 100 रुपए पे कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा जिस दिन तक का बनता है। सेम वही कंसेप्ट चलेंगे जो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में चलाए करते थे।
ठीक है जी। अब एक पॉइंट आती है सर, ये प्रॉफिट का कहां हमें ट्रांसफर करना है। देखिए इस पे ना वैसे देखा जाए तो ये कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए, अगर देखा जाए तो दिस प्रॉफिट विल गो टू कैपिटल रिजर्व। लेकिन अगर मैं आईसीएआई का स्टडी मैट उठाऊं तो आईसीएआई इसके लिए साइलेंट है, आईसीएआई इज साइलेंट ऑन दैट। तो आप भी कुछ नहीं करिएगा, आप भी इंस्टीट्यूट की तरह चुप साइलेंट हो जाइएगा, इसको कहीं ट्रांसफर नहीं करना, एज इट इज छोड़ देना। वैसे अभी तक मैं अपनी क्लास में क्या कराता हूँ, प्रॉफिट एंड कैंसिलेशन विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि सर वही इसका लॉजिक बनता है, वही इसका कंसेप्ट बनता है। लेकिन अगर इंस्टीट्यूट साइलेंट है तो आप भी इसके लिए साइलेंट हो जाइए, दैट्स इट। ठीक है जी, ओके। दिस इज योर पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। एक मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, ओन डिबेंचर वाला कंसेप्ट आपको और अच्छे समझ में आएगा बाय द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन। देखिए आपकी आईसीए का स्टडी मैट का क्वेश्चन निकाल रहा हूं मैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन वन देखते हैं, पेज नंबर 8.12 इलस्ट्रेशन वन, पेज 8.12 इलस्ट्रेशन वन क्या कहती है। वो कहता है ऑन 1st January रामा लिमिटेड is a listed company had 500 debenture of 100 each outstanding in its book carrying the interest at the rate of 6% per annum. ठीक है जी। In accordance with the regulatory requirements, the director of the company acquired debentures from open market for immediate cancellation. यदि क्या लिखा जी? Open market for immediate cancellation. As follows. 1st मार्च को कंपनी ने 5000 रुपए के, अब ये नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं है, ऊपर 500 नंबर ऑफ डिबेंचर थे, अगर इसको रुपए में कन्वर्ट करना चाहे तो 500 × 100 दैट इज 50000 रुपए के डिबेंचर थे, उस 50000 रुपए में से 5000 के डिबेंचर खरीद लिए एट ₹98 कम इंटरेस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय कम इंटरेस्ट? कम इंटरेस्ट मींस इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो ₹98 कंपनी पे कर रही है उसमें इंटरेस्ट का कॉम्पोनेंट इंक्लूडेड है, ठीक है जी। उसके बाद फर्स्ट अगस्त को क्या किया कंपनी ने, 10000 डिबेंचर करे एट 100.25 कम इंटरेस्ट, ये भी कम इंटरेस्ट है। उसके बाद 2500 98.5 एक्स इंटरेस्ट, दिस इज एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट इंक्लूडेड नहीं है। सर अगर कोटेशन यहां पर साइलेंट हो, कुछ ना लिखा हो तो क्या माने, कम इंटरेस्ट माने एक्स इंटरेस्ट माने? ऑलवेज कंसिडर इट एज एक्स इंटरेस्ट, अगर क्वेश्चन इज साइलेंट तो आप हमेशा इसको कोटेशन को एक्स इंटरेस्ट मान के चलेंगे। उसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30th June एंड 31st December, ठीक है जी। 30 जून को और 31 दिसंबर को क्या होता है जी, डिबेंचर का इंटरेस्ट पे किया जाता है। शो द लेजर अकाउंट्स ऑफ डिबेंचर्स एंड डिबेंचर होल्डर फॉर द फर्स्ट ईयर इग्नोरिंग इनकम टैक्स। देखिए जी किस तरीके का क्वेश्चन है ये, हाँ जी, 1st January को कोई भी ये ले लेते हैं, लेट्स से 1st January 2018 को कंपनी के पास कितने डिबेंचर्स हैं रुपीज में, कह सकते हो रुपीज 50000 रुपए के 6% डिवेंचर्स, ओके 6% डिवेंचर्स। अब रिडेम्पशन किस हिसाब से हो रही है? अच्छा इंटरेस्ट की डेट्स बताइए, इंटरेस्ट है 30th June को और 31st December को, तो इंटरेस्ट की तो एक तो ये डेट आ गई 30th June और एक आ गई 31st December, ये आ गई आपकी 31st December 17। दिस इज योर इंटरेस्ट ड्यू डेट, इंटरेस्ट ड्यू डेट, ओके। अब हुआ क्या, अब 1st March को 5000 रुपए के, 1st March पड़ेगा यहां पर आपका, कुछ यहां पर जाके 1st March को, अच्छा इसको भी 18 कर लीजिए, 18 लिया ना मैं, 18 कर लो, 1st March को 5000 रुपए के डिबेंचर्स को रिडीम किया एट ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ मींस ओपन मार्केट ऑपरेशन, किस प्राइस पर 98 कम इंटरेस्ट, 5000 रुपए के डिबेंचर्स को ओपन मार्केट ऑपरेशन से 98 रुपीस कम इंटरेस्ट। उसके बाद 1st August, 1st August आएगा आपका कुछ यहां पर, ये आ गया आपका 1st August, 1st August को क्या हुआ जी, 10000 रुपए के ओपन मार्केट ऑपरेशंस एट रुपीस 100.25 ये भी कम इंटरेस्ट। उसके बाद 15 दिसंबर को, दिस इज योर 15th December, 15 दिसंबर को क्या हुआ जी, 2500 रुपए के
ओपन मार्केट ऑपरेशंस एट रुपीज 98.50 एक्स इंटरेस्ट। बताइए ये सब कंपनी ने रिडेम्पशन करी है, मुझे बताएंगे कि क्या सारे डिबेंचर रिडीम हो गए? आंसर इज नो, 50,000 के थे, 5 ये चले गए, 10 ये चले गए, 2,500 ये चले गए, कितने बच गए? 5 प्लस 10 प्लस 2,500, ये हो गया आपका 17,500 माइनस 32,500 के डिबेंचर्स अभी भी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है जी, अब आप डिबेंचर्स अकाउंट बना दीजिए और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट बनाइए। ये देखिए जी, दिस इज योर सिक्स परसेंट डिबेंचर अकाउंट, और ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है जी, बताइए जी डिबेंचर्स का ओपनिंग बैलेंस, डिबेंचर्स का ओपनिंग बैलेंस ऑन 1/1/18 बाय बैलेंस बीडी कितने रुपए का ओपनिंग बैलेंस है जी? 50,000 रुपए का। मुझे बताइए किस तरीके से हमारे इवेंट हुए? सबसे पहले 1 मार्च को ही 5,000 रुपए की डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया गया, तो एंट्री क्या बनेगी? डिबेंचर्स रिडीम होंगे तो डिबेंचर अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो क्या लिखूं मैं? 1 मार्च को टू बैंक। अब बताइए कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है? कोटेशन इज कम इंटरेस्ट, तो पहले आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं यहीं पर ही कैलकुलेट कर देता हूं। मुझे बताएंगे इंटरेस्ट क्या बनेगा यहां तक का? इंटरेस्ट बताइए क्या बनेगा? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बनेगा 5,000 का 6% कितने महीने के लिए? सर लास्ट इंटरेस्ट कब क्या होगा? 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर से 1 मार्च तक कितने महीने हो गए? 2 महीने, तो 2 महीने का इंटरेस्ट बनता है आपका 50 रुपए। कितना बनता है जी? 50 रुपए। तो अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? से आप कैलकुलेट करेंगे से 5,000 इंटू 98 माइनस 50, 5,000 इंटू 98 माइनस 50, 5,000 इंटू 98 माइनस, सॉरी इट्स 98%, ये 5,000 रुपए थे ना, तो 98% कर लो आपसे, तो इसको मैं काम करता हूं परसेंटेज लिखता हूं यहां पर सब जगह ये परसेंटेज लिख दो, क्योंकि ये आपको प्राइस में दे रखा है, वैल्यू में दे रखा है, तो इसको रुपीस यहां से हटाना पड़ेगा, ये रुपीस यहां से हटाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ डिबेंचर्स पे रुपी लगेगा ना, ये तो ऑलरेडी वैल्यू में है, तो क्या 5,000 का 98% माइनस 50, तो बैंक से कितना पैसा गया? 4,850, 4,850 का तो ये चला गया, और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कितना हुआ जी? 2 प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, कितना प्रॉफिट हुआ जी? 5,000 माइनस 4,850, दिस इज 150 रुपीज का आपका क्या हो गया जी? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। क्लियर है जी? उसके बाद बताइए इंटरेस्ट की एंट्री क्या बनेगी? अब इंटरेस्ट क्या होगा जी? इंटरेस्ट पे होगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू बैंक, 1 मार्च को इंटरेस्ट पे हो जाएगा, बिल्कुल सर 1 मार्च को इंटरेस्ट पे हो जाएगा टू बैंक, कितना? अभी हमने निकाला था 50 रुपए। क्लियर है जी? उसके बाद क्या होगा? सारा क्वेश्चन हमने यहां ड्राफ्ट कर रखा है, ये वाला इवेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब 30 जून को अब इंटरेस्ट की ड्यू डेट आ गई, मुझे बताइए इंटरेस्ट कंपनी कितने डिबेंचर्स पे करेगी? सर 50,000 रुपए में से 5,000 तो चले गए, 50,000 में से 5,000 तो चलेगा क्योंकि वो तो रिडीम ही हो गया ओपन मार्केट से, बचे कितने? 45,000, तो 45,000 पे इंटरेस्ट पे करेगी कंपनी, दैट इज कौन सी डेट पे? 30th जून को टू बैंक, कितना? 45,000 रुपीज पे 6%, 6 महीने का, पूरे 6 महीने। ये सारा इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग वाला कंसेप्ट है, ये हो गया आपका 1,350, 1,350। क्लियर है जी? उसके बाद क्या हुआ, ये भी इवेंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद 1 अगस्त को कंपनी ने अगेन 10,000 के
ओपन मार्केट से खरीदे एट 100.25 कम इंटरेस्ट, ये भी कम इंटरेस्ट है, तो पहले यहां पर इंटरेस्ट का एलिमेंट निकाल लो। इसमें इंटरेस्ट का एलिमेंट कितना होगा बताएंगे जरा, 10,000 पे 6% कितने महीने का सर, 30 जून तक तो पे हो चुका, उसके बाद का देखो कितने महीने हो गया आपका, 1 जुलाई का ही महीने हुआ, तो 1 महीने का इंटू 1/12 तो कितना हो गया, जुलाई हुआ ना, हाँ ठीक है, 10,000 का 6% डिवाइडेड बाय 12, अगेन ये कितना आता है, 50 रुपीज। तो बताएंगे जरा क्या वैल्यू बनेगी, 1818 टू बैंक, कितना लिखो टू बैंक बताइए जी, टू बैंक कितना लिखो, 10,000 का 100.25% माइनस 50, तो कितना हो गया आपका, 10,000 का 100.25% माइनस 50, ये हो गया आपका 9975। उसके बाद आपका प्रॉफिट कितना रहेगा, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन बताओ, 10,000 माइनस 9975 ये हो गया आपका 25। यहां बताइए जी, 1 अगस्त को कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा टू बैंक, कितना इंटरेस्ट अभी निकाला हमने, 50 रुपए, ये पे कर दिए। उसके बाद क्या होगा, अब आगे इवेंट देखिए, ये वाला इवेंट भी पूरा हो गया अपना। अब 15 दिसंबर को दोबारा रिडेम्पशन होगी, 2500 ओपन मार्केट, अब ये एक्स इंटरेस्ट है, यहां पर अब इंटरेस्ट का एलिमेंट इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इंटरेस्ट यहां पर कैलकुलेट कर देता हूं क्योंकि हमें एंट्री तो डालनी है, इंक्लूडेड नहीं है पर, तो कितना निकलेगा, 2500 का 6% कितने महीने के लिए, देखिए जी 30 जून को लास्ट डेट थी, तो 30 जून से 15 दिसंबर तक, बताइए जी 30 जून से 15 दिसंबर तक कितने महीने हो गए, जुलाई हो गया आपका, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, 5.5 मंथ्स, ये हो गया ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, तो 2500 का 6% इनटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12 ये आपका आता है 68.75 बताइए जी, 15 दिसंबर टू बैंक कितना लिखूं जी बताइए, अब तो डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, कैसे, अब मैं लिख सकता हूं 2500 का 98.50%, 2500 का 98.50% कितना हो गया, ये 2463 ले लेते हैं राउंड ऑफ करके, तो 2500 माइनस 2463 ये कितना प्रॉफिट हो गया, 37 का, टू प्रॉफिट कितना, 37। अब मुझे बताएंगे 31 दिसंबर को कितना बैलेंस सीडी बचना चाहिए, सर देखिए 50,000 के डिबेंचर्स थे, 5,000 तो ये खत्म हुए, 10,000 ये खत्म हुए, और 2500 ये खत्म हुए, तो कितने बच गए, ये बच गए आपके 32,500, थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया मैंने, 32,500। अच्छा इंटरेस्ट की बात रहेगी यहां पर 15 दिसंबर को, बताइए 15 दिसंबर को कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी टू बैंक, कितना निकाला था अभी हमने, 68.75, और लास्ट 31 दिसंबर को कितने डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे होगा टू बैंक, सर 50,000 में से ये सब तो चले गए, बचे कितने, 32,500, तो पूरा 32,500 का 6% 6 महीने के लिए, या था आपका 975, और ये सारा का सारा इंटरेस्ट कहां ट्रांसफर हो जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा आपका पीएनएल अकाउंट में बाय पीएनएल, कितना टोटल कर लीजिए सर, या था आपका 50+1300+50+68.75+975 2493.75 2494 ले लो राउंड ऑफ करके, ठीक है, तो देख लेना इसको, आप एक काम करो ना, इसको राउंड ऑफ करके 69 कर दो, इसको राउंड ऑफ करके 69 रुपीस कर देते हैं, बताइए जी
क्लियर हुआ है क्वेश्चन? दिस इज व्हाट, दिस इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्लियर है जी? बताइए। सॉल्यूशन में आपको क्या दे रखा है? सॉल्यूशन में आपको अलग अलग करके दे रखा है। अच्छा, आप यहां पर ओन डिवेंचर्स अकाउंट भी बना सकते थे, आप ओन डिवेंचर्स अकाउंट भी बना सकते थे, और फिर ओन डिवेंचर हर साल आप राइट ऑफ करते जाएंगे फ्रॉम परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट, वो भी एक चीज तरीका है, आप कर सकते थे। ठीक है जी, दिस इज व्हाट, दिस इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। थर्ड इज योर पेमेंट बाय कन्वर्जन। हाँ जी, पेमेंट बाय कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या होता है जी? कन्वर्जन में कंपनी अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स वगैरह में कन्वर्ट कर देती है, तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री कुछ नहीं, सेम रहेगी, परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। हाँ जी, ये जो डिबेंचर होल्डर्स का अमाउंट है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिबेंचर होल्डर्स को कितना पैसा पे करा जाएगा, और ये पैसा कंपनी प्री शेयर्स के थ्रू पे कर सकती है, तो एंट्री क्या बनेगी? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है जी, इसमें आपको मेन पॉइंट क्या ध्यान रखना है? इसमें आपको मेन पॉइंट ध्यान रखना है नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। ये कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, कितने शेयर इशू करने हैं, ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा आपका अमाउंट, अमाउंट पेबल टू डिबेंचर होल्डर्स, कि भैया डिबेंचर होल्डर्स को कितना पे किया जाएगा, वो कौन सा अमाउंट है? अमाउंट पेबल टू डिबेंचर होल्डर्स इज दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस मींस एक शेयर कितने रुपए का इशू हो रहा है। इशू प्राइस मींस 10 रुपए का शेयर होगा और उसमें 2 रुपए का प्रीमियम है, तो इशू प्राइस कितना बनेगा? 12 रुपए। ठीक है जी, तो इसमें कुछ ज्यादा खास दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है जी? ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सोर्स ऑफ रिडेम्पशन, कि रिडेम्पशन करने के लिए फंड कहां से आएंगे, सोर्स ऑफ रिडेम्पशन। इसके लिए आपको फॉलो करना पड़ता है जी सेक्शन 71 of the Companies Act 2013. Companies Act 13 क्या कहता है? Companies Act कहता है कि कंपनी को रिडेम्पशन के लिए कुछ सोर्स चाहिए, कुछ पैसा चाहिए। पैसा आएगा कहां से बताइए? पैसा कहां से आएगा? वो कहता है कि सबसे पहली चीज, जब भी कंपनी अपने डिबेंचर्स को रिडीम कर रही है, तो उस साल कंपनी को अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ट्रांसफर करना पड़ेगा इन अ रिजर्व, दैट इज नोन एज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डीआरआर। और ये कैसे निकलता है? ये निकलता है जी 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम, एटलीस्ट इतना। मतलब हर साल जब भी कंपनी रिडीम करे तो देखना पड़ेगा उसको कि क्या उसके डीआरआर में 10% फेस वैल्यू के डिबेंचर्स का पैसा पड़ा है या नहीं पड़ा है। अगर नहीं पड़ा तो कंपनी को अपने प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएट करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। और फिर कंपनी क्या करेगी? फिर कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, जिसे नोन है डीआरआई, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, डीआरआई टू बैंक। अब ये डीआरआई टू बैंक क्या करिए? ये कह रही है कि जब भी डिवेंचर्स रिडीम होंगे तो कंपनी को अपने कुछ पैसा, जो फंड्स हैं, वो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इन एन इन्वेस्टमेंट दैट इज फॉर डिवेंचर्स ओनली, डिवेंचर होल्डर्स ओनली। तो उसको क्या बोलते हैं हम? डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, डीआरआई के नाम से। और वो कितनी रहेगी? वो रहेगी 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स टू बी रिडीम। तो ये दोनों चीजें आपको हमेशा चेक करनी पड़ेगी कि इतना है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको ये रिक्वायरमेंट पहले फुलफिल करनी पड़ेगी, देन ओनली यू कैन रिडीम द डिबेंचर। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो डीआरआर वगैरह की, ये सब जो रिक्वायरमेंट है, डीआरआर की रिक्वायरमेंट, डीआरआर की, दीज आर ओनली फॉर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स।
किनके लिए जी? नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, मतलब अगर आपके कुछ डिबेंचर्स पार्टली कन्वर्टिबल है, पार्टी कन्वर्टिबल समझते हैं, जैसे कि 100% कन्वर्ट नहीं होंगे, उसका 60% कन्वर्ट होगा, 50% कन्वर्ट होगा, 40% कन्वर्ट होगा, तो जितना भी नॉन कन्वर्टिबल पार्ट है उनके लिए ये डीआरआर की रिक्वायरमेंट हमें रखनी पड़ती है। ठीक है जी, हाँ जी बताइए। ओके, अब आपको क्या रखना पड़ेगा? अच्छा, ये डीआरआई हाई है तो इसके ऊपर इंटरेस्ट विंटरेस्ट भी अगर मिल रहा होगा तो उसकी एंट्री नॉर्मल है, वो आप कर सकते हैं। एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी पड़ेगी, जब भी डिबेंचर्स रिडीम होंगे, वेन एवर, या आप कह सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, हाँ जी, आपको क्या क्या एंट्री डालनी पड़ेगी? आपको एंट्री डालनी पड़ेगी पॉजिटिव, जो आपने डीआरआर बनाया था, दैट इज डीआरआर अकाउंट डेबिट, उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा किसमें? जनरल रिजर्व में। भैया हाँ जी, जितने डिबेंचर्स रिडीम हो गए, जितने डिबेंचर्स रिडीम हो गए उसका 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स रिडीम, 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स रिडीम। भैया जितने आपके डिबेंचर्स रिडीम हो गए उसके 10% को आप किस में ट्रांसफर कर दोगे? डीआरआर में ट्रांसफर कर दोगे। क्यों? क्योंकि डीआरआर खत्म ही हो गया, अब तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो आप उसको किस में डाल दोगे? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को जनरल रिजर्व में डाल दोगे, और साथ साथ आप इन्वेस्टमेंट को भी सेल कर दोगे, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI, पैसा तो यहीं से आएगा ना सर, बैंक अकाउंट टू DRI, 15% ऑफ, 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स रिडीम्ड। क्लियर है जी? बताइए, इज दिस क्लियर टू यू? हाँ जी, तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम देखेंगे और हमारा ये चैप्टर ओवर। मैंने क्वेश्चन निकाला था आपके लिए, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर फोर्थ, इलस्ट्रेशन नंबर फोर्थ देखते हैं, अच्छी क्वेश्चन है, देखते हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ पैराडाइज लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI, बैंकिंग कंपनी NBFC एंड HFC। ये बैंकिंग कंपनी NBFC वगैरह इन सब के लिए रिक्वायरमेंट अलग होती है, वो आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बैलेंसेस क्या क्या है? आपके 12% डिबेंचर्स अकाउंट में 7.5 लाख रुपए पड़े हैं, मतलब 7.5 लाख रुपए के आपके आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है। डीआरआर में 25,000 है और डीआरआई में कितना है जी? 1,12,500, रिप्रेजेंटिंग 10% 1125 सिक्योर्ड बॉन्ड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ 100 ईच, कोई दिक्कत नहीं। एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन टू डीआरआर वॉज मेड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर, 31 मार्च को क्या करती है कंपनी? डीआरआर में पैसा डालती है। ऑन 31st मार्च The balance at bank was 7,50,000, ठीक है जी, बैलेंस एट बैंक कितना है जी? 7.5 लाख रुपए। बिफोर द रिसीट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिलने से पहले, द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज्ड एट पार फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम ऑफ 10% ऑन द अबव डेट, ठीक है। 31 मार्च को कंपनी ने डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया, उसके लिए कंपनी ने रिडेम्पशन को क्या करा, अपनी जो सिक्योरिटीज थी, ये वाली जो सिक्योरिटीज थी, इनको बेच दिया एट पार। देखिए पहले जो आपका स्टडी मटेरियल था उसमें एट लॉस भी था, एट प्रॉफिट भी था, वो सब घटा दिया, अब सारी सेल आपकी एट पार हो रही है। ओके जी, और रिडेम्पशन कैसे हो रही है जी? 10% प्रीमियम पे हो रही है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स, क्या क्या बनाने आपको? डिबेंचर्स अकाउंट, डीआरआर अकाउंट, डीआरआई अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है जी, आइए बनाते हैं एक बार। अच्छा, कौन कौन से बोले थे आपको? एक आपको बोला था 12% डिबेंचर्स अकाउंट, एक आपको बनाना पड़ेगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, ये आपने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन बनाया, और क्या क्या बोला आपको? DRR और DRI, यहां बना लीजिए आप DRR अकाउंट, एक आपको बनाना पड़ेगा DRI अकाउंट, ये DRI हो गया आपका, उसके बाद डिबेंचर्स हो गया आपका DRR, DRI हो गया, डिबेंचर बैंक अकाउंट और डिबेंचर होल्डर्स,
एक आपको बनाना पड़ेगा बैंक अकाउंट और एक आप बनाएंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ये सब आपको अकाउंट्स इसमें बनाने हैं क्वेश्चन, ठीक है जी। अच्छा इसमें ना ये नहीं बोला था तो इसको हम नहीं बना रहे, इसको हटा दीजिए, इसके रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। चलिए जी सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस कौन सी डेट पे जी, फर्स्ट अप्रैल 18 ले लेते हैं। फर्स्ट अप्रैल को ओपनिंग बैलेंसेस क्या क्या है, 12% डिबेंचर 7,50,000, तो लिखेंगे आप बाय बैलेंस बीडी 750। उसके बाद और किसका बैलेंस दे रखा है, उसके बाद आपको बैलेंस ऑफ डीआरआर 25,000, डीआरआर का बैलेंस 1,418 बाय बैलेंस बीडी 25,000। डीआरआई का डीआरआई दे रखा आपको 1,12,500, तो 1,418 टू बैलेंस बीडी 1,12,500। और आगे देखिए एनुअल कंट्रीब्यूशन टू डीआरआर वाज मेड एट दिस बैलेंस एट बैंक दे रखा आपको 750, बैंक बैलेंस इज 750, 1,418 को टू बैलेंस बीडी 7,50,000। और आपको क्या दे रखा है, बस ये सब दे रखा है। अब देखिए आपको ये 7.5 लाख के डिबेंचर्स को करना है जी रिडीम, आपको क्या करना है जी इनको रिडीम करना है, मुझे बताइए। सबसे पहले मैं क्या चेक करूं, मैं चेक करूंगा क्या मेरा डीआरआर पूरा है या नहीं। देखिए 7,50,000 का 10% कितना डीआरआर होना चाहिए था, 75,000 होना चाहिए था, लेकिन है कितना 25,000 रुपए, तो आपको और डीआरआर बनाना पड़ेगा। तो आप एंट्री क्या डालेंगे, बाय पीएनएल अकाउंट, पीएनएल से पैसा डालेंगे कितना 50,000 रुपए, ये डाल दिया। क्या डीआरआई पूरा है, 750 का 15% चेक कीजिए, ये पूरा है आपका 1,12,500। अब क्या होगा, उसने बोला था जो बैंक में पैसा है वो बिफोर इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट ले लेते हैं 1,418 टू बैंक अकाउंट, सॉरी टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस पे, जो हमारी डीआरआई है, डीआरआई कितनी थी, डीआरआई में था आपका 10% इंटरेस्ट, ठीक है जी 1,12,500 का 10%, 11250, 11250, ये कैसे निकला आपका, एक लाख बारह हजार पांच सौ का 10%, ये निकाल दिया इंटरेस्ट। ओके जी अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे रिडेम्पशन। 31 मार्च को रिडेम्पशन होगी, कैंटी डलेगी 12% डिबेंचर्स डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, टू डिबेंचर होल्डर्स, बताइए जी क्लियर हुई। एंट्री क्या बनती है, 12% डिबेंचर डेबिट प्रीमियम डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, कितना जी 7.5 लाख रुपए, और डिबेंचर होल्डर्स में क्या लिखा जाएगा, डिबेंचर होल्डर्स में लिखा जाएगा जी बाय 12% डिबेंचर्स कितना 7,50,000, और प्रीमियम पे कह रहा था मेरे ख्याल से, ये रिडेम्पशन कह रहा था एट 10% प्रीमियम, तो क्या लिखूंगा बाय प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना जी, ये हो जाएगा आपका 75,000। अब होता क्या है जी, इन्वेस्टमेंट को बेचना पड़ेगा, तो एंट्री क्या बनेगी, डीआरआई टू बैंक, डीआरआई टू बैंक 31 मार्च 19, हाँ जी सॉरी बैंक टू डीआरआई 31 मार्च 19 बाय बैंक कितना 1,12,500, ये एट पार सेल हुई तो ये एट पार होगी, बैंक में पैसा आएगा, बैंक में पैसा आएगा तो, बैंक में पैसा आएगा तो ये बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 31 मार्च 19 कितना टू डीआरआई कितना, ये हो जाएगा 1,12,500। उसके बाद डीआरआर को ट्रांसफर कर देंगे किसमें, जनरल रिजर्व में 31/3/19 टू जनरल रिजर्व, क्योंकि रिडेम्पशन होगी तो ये जनरल रिजर्व में चला गया कितना 75,000, तो ये भी क्लोज हो गया आपका, ये भी क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया। अब बच गया बैंक अकाउंट,
और डिबेंचर होल्डर से। देखिए कितना पैसा है जी, 750 प्लस 11250 प्लस 1,12,500, ये आ जी आपका 873750। 873750, अब 873750 में से डिबेंचर होल्डर्स को कितना पे करना है, इनको पे करना है 750 प्लस 75,000, 825,000। तो इनको तो पे कर देते हैं, 31/3/19 टू बैंक कितना 825,000, तो इनका तो हुआ काम ओवर। अब बचा कितना, अच्छा 825 को लिखता हूँ यहाँ पर, 31/3/19 बाय डिबेंचर होल्डर्स 825, और बाकी हमारा क्या रह जाएगा जी, बैलेंस रह जाएगा बाय बैलेंस सीडी। कितना रहेगा बैलेंस सीडी चेक कीजिए, 750 प्लस 11,250 प्लस 1,200 माइनस 4,875,000, ये आपका क्या रहेगा जी क्लोजिंग बैलेंस। बताइए क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो ये आपका था जी कि रिडेम्पशन के लिए हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप रिडेम्पशन करेंगे आपका DRR में बैलेंस होना चाहिए 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम, और 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम का आपका DRI होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और व्हेनेवर द डिबेंचर्स आर रिडीम, जब एक्चुअली में रिडीम हो जाएंगे, तो जो DRR में बैलेंस पड़ा था जितने भी रिडीम हुए उसका 10% आप बैलेंस जनरल रिजर्व में डालेंगे और DRI को क्या करेंगे जी सेल करेंगे। ये रिक्वायरमेंट है आपकी, ये आपको हमेशा चेक करके चलना पड़ेगा। क्लियर है जी? तो इससे ज्यादा इस चैप्टर में कंसेप्ट है ही नहीं, इसलिए ये चैप्टर हो गया बहुत आसान, इजीली आप इस चैप्टर को कवर करके चल सकते हैं। क्लियर हुआ जी? तो दिस वाज योर टॉपिक वन जो हमें करना था, दैट इज योर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब हम अपने एएस की तरफ बढ़ते हैं, छोटे छोटे एएस आज हमें देखने हैं, एएस वन। एएस वन का नाम है जी डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। बताइए जी अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है? अकाउंटिंग पॉलिसीज मीन्स मेथड ऑफ अप्लाइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स प्लस मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हाँ जी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्लस मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल मींस जैसे कि फिक्स असेट को डेप्रिशिएट करना, इट इज एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और कौन से मेथड से डेप्रिशिएट किया जाएगा, वेदर इट इज अ WDV मेथड, SLM मेथड, या आपका पूरा सेट क्या कहलाता है, एक अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाता है। जैसे कि जैसे इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करना, इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करना एट कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर, ये का अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। और कॉस्ट को निकालने के लिए आपके पास मेथड होते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड। तो ये पूरा सेट क्या कहलाता है, एक अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाता है। सेम गोज फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को वैल्यू किया जाता है एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। और कॉस्ट निकालने के लिए जो हमारे पास तरीके होते हैं वेटेड एवरेज मेथड और अपना लिफो मेथड, फीफो मेथड, ये सब क्या कहलाता है, आपका पूरा सेट एक अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाता है। तो सर इस एएस में क्या पढ़ना है, इस एएस में हमारे पास क्या है काम करने के लिए? देखिए इस एएस में ज्यादा कुछ तो नहीं है, अगर मैं इसके एएस की बात करूं तो इस एएस में ज्यादा चीजें है नहीं। एक आपको ध्यान रखना है टॉपिक ऑफ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। कौन कौन सी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन होती है? देर आर थ्री फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। एक होती है जी आपकी गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या कहते हैं कि भैया अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो वो कभी भी इस इंटेंशन से स्टार्ट नहीं किया जाता कि वो बंद किया जाएगा। मतलब बंद करने का मतलब ये नहीं हुआ, बंद करने का मतलब ये भी होता है कि बंद करना कंप्लीटली शटडाउन नहीं होता। अगर हम बिजनेस के मेजर ऑपरेशन को बंद कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं, कर्टेल कर रहे हैं, तो उसको भी गोइंग कंसर्न बोलते हैं। ठीक है जी, जैसे एक इंडस्ट्री है उसकी 50 यूनिट्स है, 50 में से 40 बंद कर दी उसने। अब 40 बंद करने से क्या इंपैक्ट आएगा सर? गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो जाएगी। 40 बंद करने का मतलब ये हुआ कि बिजनेस चलाना नहीं चाह रहे, तो दैट इज अफेक्टिंग द गोइंग कंसर्न। एक होती है जी आपकी एक्रूवल, कि हमारे जो भी अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो एक्रूवल बेसिस पर बनाए जाते हैं। एक्रूवल मींस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे अकर,
irrespective of receipt or payment of cash and its equivalent. और दूसरा आता है कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी मींस भैया जो अकाउंटिंग पॉलिसी आप इस पीरियड में फॉलो कर रहे हो अगले पीरियड में भी वही फॉलो करोगे, लास्ट पीरियड में भी आपने वही फॉलो करी थी. ठीक है, दिस इज योर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन. अब आता है सर इनका नाम फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन क्यों है. फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन इसलिए कि यूजर जब भी अकाउंट को रीड करेगा, जब भी अकाउंट को समझेगा, तो वो ये मान के चलेगा कि भैया ये तीन बातें हमेशा फॉलो हो गई है. अगर इसके बारे में कुछ नहीं लिखा तो अजम्पशन ये रहती है कि ये तीन चीजें फॉलो हो गई है. अगर इन तीनों में से कोई भी चीज फॉलो नहीं की गई है तो कंपनी को ये फैक्ट, एंटिटी को ये फैक्ट क्या करना पड़ेगा जी, अपने नोट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, यूजर को बताना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मेन चीज है. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि गोइंग कंसर्न को फॉलो ना करते हुए भी अकाउंट्स बनाए नहीं जा सकते, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं, कोई मना नहीं करता, लेकिन आपको बताना पड़ेगा. कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर सकते हो, बताना पड़ेगा. अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हो, बिल्कुल सब चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी. क्लियर है जी. उसके बाद आता है जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी को बनाओगे, आप अकाउंटिंग पॉलिसी बनाते समय आपको ये तीन बातें ध्यान रखनी पड़ेगी. कौन कौन सी तीन बातें ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, तीन बातों में से पहली चीज ये ध्यान रखनी पड़ेगी, प्रूडेंस फॉलो हो गया या नहीं हो गया. व्हाट डू मीन बाय प्रूडेंस? प्रूडेंस का मतलब क्या होता है कि अनसर्टेनिटीज, अगर फ्यूचर में एंटीसिपेटेड लॉसेस हैं उनको प्रोवाइड कर दो, लेकिन कोई एंटीसिपेट गेन को प्रोवाइड नहीं करना, दैट इज प्रूडेंस. दूसरा आता है जी सब्सटेंस ओवर फॉर्म. सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या कहता है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या कहता है कि ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड फ्रॉम इट्स सब्सटेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल फॉर्म. जैसे कि आपने कोई एसेट खरीदा हायर परचेज पे, एसेट को खरीदा हायर परचेज पे, तो उस एसेट को आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लो, भले ही आपके पास उसकी लीगल ओनरशिप आई या नहीं आई. लीगल ओनरशिप कब आएगी? लीगल ओनरशिप आएगी एट द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, लेकिन आप अपनी बुक्स में उस एसेट को डे वन से ही दिखाने लग जाते, दैट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म. और थर्ड इज मटीरियलिटी. मटीरियलिटी मीन्स जितनी भी रेलिवेंट चीजें हैं, जितनी भी मटेरियल चीजें हैं, वो सब चीजें आपके अकाउंट्स में डिस्क्लोज हो जानी चाहिए. क्लियर है जी. और लास्ट जो इसमें पॉइंट आता है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. चाहे एक एंटिटी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकती है? आंसर इज यस, एन अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी चेंज्ड ओनली इन दीज थ्री सर्कमस्टांसेस. कौन कौन से सर्कमस्टांसेस? इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ. अगर कोई कानून बोलता है, अगर कोई लॉ बोलता है कि अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दो, तो हमें चेंज करनी पड़ेगी. इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दो, हमें करनी पड़ेगी. जैसे कि आप इन्वेंट्री को वैल्यू करते थे एज पर लीफो मेथड, लीफो मेथड के हिसाब से वैल्यू कर रहे थे, लेकिन एएस2 में स्पेसिफिकली लिख दिया गया कि लीफो फॉलो नहीं करना है, तो आपको लीफो से चेंज होकर किस में आना पड़ेगा? फीफो या वेटेड एवरेज में जाना पड़ेगा, दैट इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. एंड अगर मैनेजमेंट को लगता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेटर प्रेजेंटेशन हो जाएगी, देयर विल बी बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज किया जा सकता है. और जब भी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज किया जाएगा, उसके इफेक्ट को क्वांटिफाई करके इट्स इंपैक्ट विल बी डिस्क्लोज्ड. जैसे कि आपने डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया, आप SLM से WDV पे गए, और SLM से WDV जाने की वजह से आपका डेप्रिसिएशन बढ़ गया, लेट अस से 1 लाख रुपए से. अब 1 लाख से डेप्रिसिएशन बढ़ गया तो आपका प्रॉफिट भी 1 लाख रुपए से कम हो जाएगा. यूजर को तो यही लगेगा ना कि भैया कंपनी ने अच्छे से काम नहीं किया, इसलिए उसका प्रॉफिट 1 लाख रुपए से कम है. ये चीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि भैया इस टाइप की चीज आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी. क्या डिस्क्लोज करोगे? आप बताओगे कि ये 1 लाख रुपए का जो इफेक्ट आया है, हमारे जो प्रॉफिट 1 लाख रुपए से कम हो गया है, वो कम होने का कारण ये है बिकॉज डेप्रिसिएशन मेथड चेंज हो गया, और उसकी वजह से 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन का खर्चा बढ़ गया. ठीक है जी. तो ये सब चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, इफेक्ट को क्वांटिफाई करके उसका इंपैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा. ठीक है जी. आई होप दिस इज योर AS1. ओके, अब हम AS पढ़ते हैं, AS 11. इसका नाम है जी द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स. द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स. आइए जी,
अब एएस 11 में हमें तीन चीजें पढ़नी है। इस 11 को मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। इसमें हमारे पास तीन टॉपिक है, एक होता है जी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस, एक टॉपिक है जिसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और एक है जी फॉरेन ऑपरेशन। ये तीन पार्ट्स हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस क्या होती है। देखिए हमें यहां पर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस में देखना है। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन मतलब जो ट्रांजेक्शन हमने फॉरेन एक्सचेंज में करी है, लाइक इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, फॉरेन करेंसी का लोन ले लेना, फॉरेन करेंसी में लोन की रीपेमेंट करनी, ये सब क्या है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। हर चीज में एक्सचेंज डिफरेंस आ सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस मींस सर एक्सचेंज डिफरेंस का मतलब क्या हुआ भैया, जब आपने परचेज करे तब डॉलर का रेट था 60 रुपीज का, और जब आप पेमेंट कर रहे हो तब डॉलर का रेट हो गया 65 रुपीज का। तो मुझे बताइए आपको 5 रुपए पर डॉलर का नुकसान हो गया, तो ये क्या है एक्सचेंज डिफरेंस, इसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा। इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें देखना पड़ेगा हमारा एक्सचेंज डिफरेंस फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स पे है भी या नहीं, दैट इज एफसीएमआई। एफसीएमआई मींस वो एसेट्स और लाइबिलिटीज जिनकी रियलाइजेशन या सेटलमेंट किसमें होनी है जी फॉरेन करेंसी में होनी है, और जिसका अमाउंट है फिक्स्ड एज पर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जिनकी रियलाइजेशन या सेटलमेंट किस में होनी है जी फॉरेन करेंसी में होनी है और इनका अमाउंट फिक्स्ड है एज पर कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कहलाती है हमारी फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम। तो अगर हमारा एक्सचेंज डिफरेंस आता है ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम, मतलब छोटे नेचर की, छोटे टर्म की, तो उसमें हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे पैराग्राफ 13। पैराग्राफ 13 क्या कहता है कि ट्रांसफर कर दो एक्सचेंज डिफरेंस को टू पीएनएल अकाउंट, मतलब एक्सचेंज डिफरेंस आता है हमारा एफसीएमआई शॉर्ट टर्म एफसीएमआई पे, तो पैराग्राफ 13 अप्लाई करके उसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। दूसरा जी अगर हमारा एक्सचेंज डिफरेंस आता है ऑन लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम LTFCMI, तो उसके पास उसमें आपके पास क्या है जी सर, उसमें आपके पास दो ऑप्शंस है। दो ऑप्शंस कैसे कैसे हैं, पहला ऑप्शन तो क्या है, पहला ऑप्शन तो है कि पैरा 13 लगाओ, और जहां मैं पैरा 13 की बात करूं दैट इज ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, ये पैरा 13 हो गया। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपका कैपिटलाइज कर दो, क्या कर दो जी कैपिटलाइज कर दो। कैपिटलाइज करने के लिए आपको लगाना पड़ता है जी पैरा 46 या 46A ऑफ AS। ये क्या कहते हैं पैराग्राफ्स, ये कहते हैं कि अगर आपका लॉन्ग टर्म एफसीएमआई है फॉर डेप्रिशिएबल एसेट, डेप्रिशिएबल एसेट मतलब जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होना है, तो क्या करेंगे हम इस डिफरेंस को ट्रांसफर कर देंगे टू एसेट अकाउंट। उस डिफरेंस को भाई या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ट्रांसफर कर देंगे एसेट अकाउंट में और उसको डेप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे, डेप्रिशिएट अकॉर्डिंगली। और अगर आपका लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है फॉर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट मतलब लैंड वगैरह जिस पर डेप्शन नहीं होता, तो उसको क्या करेंगे आप इसको डिफरेंस को ट्रांसफर करेंगे एक सेपरेट अकाउंट में, दैट इज फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट। पता बहुत बड़ा नाम है सर, फॉरेन करेंसी मिट डिफरेंस अकाउंट, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, और इसको क्या करेंगे अमोर्टाइज करेंगे ओवर द पीरियड, इसको अमोर्टाइज करते चले जाएंगे। ठीक है जी, तो एक बार दोबारा देखेंगे एक्सचेंज डिफरेंस का ट्रीटमेंट कैसे है जी। एक्सचेंज डिफरेंस अगर फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम पे है, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम क्या होती है जिसकी रियलाइजेशन सेटलमेंट होनी है फॉरेन करेंसी में और उसका अमाउंट फिक्स्ड है एज पर कॉन्ट्रैक्ट। अगर तो शॉर्ट टर्म एफसीआई है तो पैरा 13 लगा के पीएनएल में डाल दो। अगर एक्सचेंज डिफरेंस लॉन्ग टर्म एफसीआई पे है, लॉन्ग टर्म एफसीआई मतलब
भाई बड़े समय के लिए, जैसे डेटर्स की पेमेंट होनी है 2 साल बाद, लोन की पेमेंट होनी है 2 साल बाद, तो उसमें दो ऑप्शन है, या तो पहले 13 लगा के पीएनएल में डाल दो, और दूसरा ऑप्शन है कि कैपिटलाइज कर दो। कैपिटलाइज करने से क्या होगा, अगर आपका डेप्रिशिएबल एसेट है, जैसे आपका प्लांट एंड मशीनरी, अपना बिल्डिंग्स है, फर्नीचर फिक्सचर्स वगैरह पे है, तो आप उस एक्सचेंज डिफरेंस को एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करो और डेप्रिशिएट करना शुरू कर दो। और अगर आपका नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, जैसे लैंड वगैरह आपने खरीदो, उस पर आपका फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस निकल के आता है, तो उसको एक सेपरेट अकाउंट में डाल दो, दैट इज फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, मिट डिफरेंस अकाउंट, और उसको क्या कर दो जी, अमोर्टाइज करना शुरू कर दो। क्लियर है जी? दिस इज वॉट, दिस इज फॉरन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। अगला देखते हैं, पहले फॉरन ऑपरेशन क्या होते हैं। देखिए फॉरन ऑपरेशन, देखो फॉरन ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है इंटीग्रल फॉरन ऑपरेशन ईफो, और एक होता है नॉन इंटीग्रल फॉरन ऑपरेशन नीफो। इंटीग्रल मीन्स मान लो मैंने अपनी एक ब्रांच यूएस में खोल दी, और वो ब्रांच मुझ पे डिपेंडेंट है, वो ब्रांच मुझ पे क्या है, डिपेंडेंट है, मतलब सेम बिजनेस करी है। अगर मैं यहाँ पर टीचिंग का बिजनेस करता हूँ, यहाँ पर मैं एजुकेशन इंडस्ट्री खोल के बैठा हूँ, तो मैंने यूएस में भी एक अपना इंस्टीट्यूट खोल दिया, अपनी एजुकेशन की अपना सेटअप खोल दिया, तो वो क्या होगी, मेरी इंटीग्रल ऑपरेशन होगी। मतलब हर साल क्या करेगी, वो ब्रांच मेरे को अपना ट्रायल देगी बनाकर, और मैं उसको मर्ज कर दूंगा अपने साथ। नीफो क्या होता है कि भाई मेरे ही नाम पे यूएस में कोई बंदा गोलगप्पे की रेडी पर लगा रहा है, मेरे ही नाम पे वरुण जैन गोलगप्पे के नाम से कोई बाहर गोलगप्पे बेच रहा है, तो नाम तो मेरा चल रहा है लेकिन वो मुझ पे डिपेंडेंट नहीं है, उसका नेचर ऑफ बिजनेस अलग है, दैट इज नीफो, दैट इज नोन एज नॉन इंटीग्रल फॉरन ऑपरेशन। अब इसमें होता कुछ नहीं है, देखिए ट्रायल ये भी मेरे को देगा जो मेरा इंस्टीट्यूट है, और ट्रायल मेरा गोलगप्पे का बिजनेस भी देगा, लेकिन दोनों के मर्ज करने के जो रूल है वो थोड़े थोड़े क्या है जी, डिफरेंस है, तो उसमें हमें रेट्स देखने पड़ते हैं, और इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। रेट्स हमारे पास क्या क्या रहेंगे वो मैं आपको बताता हूं। अगर मैं इंटीग्रल की बात करूं तो इसमें हमारे रूल्स फॉर कन्वर्जन क्या है, एसेट, जो हमारे एसेट्स रहेंगे, एसेट्स में स्पेसिफिकली फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट का डेप्रिसिएशन, इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसके लिए हमें कौन सा यूज करना है रेट, ट्रांजेक्शन रेट। ट्रांजेक्शन रेट मतलब जिस दिन हमने एसेट को परचेज किया उसी डेट के रेट को हमें लेके चलना है। बाकी हमारे सन्ड्री असेट्स और सन्ड्री लायबिलिटीज, इन सब के लिए हम क्लोजिंग रेट यूज करेंगे, और जितने भी हमारे इनकम और एक्सपेंसेस होंगे उनके लिए हम यूज करेंगे जी एवरेज रेट। और एनी डिफरेंस, अगर हमारे ट्रायल में कोई डिफरेंस आता है, डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट, वो हमारा पीएनएल अकाउंट में राइट ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हेड ऑफिस का बैलेंस रुका वो हमारा एक्चुअल रहेगा। ये सेम चीजें आप ब्रांच अकाउंटिंग में भी पढ़ेंगे, जो आप ब्रांच अकाउंटिंग का टॉपिक है उसमें भी देखेंगे। अगर मैं नीफो की बात करूं, नीफो में ऑल असेट्स और लाइबिलिटी, सारे असेट्स और लाइबिलिटी किस पे जाएंगे, क्लोजिंग रेट पर जाएंगे, बाकी सब चीजें सेम है। जो हमारे इनकम एक्सपेंसिस है वो हमारे एवरेज रेट पे जाएंगे, जो हमारा हेड ऑफिस का बैलेंस है वो हमारा एक्चुअल बैलेंस रहेगा, और हमारा जो डिफरेंस होगा वो ट्रांसफर होगा इन फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है जी। दिस इज योर फॉरेन ऑपरेशंस। अगला जो इसमें एरिया आता है दैट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आपको 3 महीने बाद की पेमेंट करनी है किसी को, तो आपने आज ही उस रेट को खरीद लिया, बेसिकली उसी रेट को क्या कर लिया, आज ही परचेज कर लिया। आपको आज के रेट से तो थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन बाद के रेट से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। अब आपको देखना पड़ेगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमारा किस नेचर का है। अगर तो हमने हेजिंग के लिए किया, हेजिंग मतलब अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए किया, तो इस केस में जो हमारा एक्सचेंज डिफरेंस रहेगा वो हमें हर बैलेंस शीट डेट में कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज स्पॉट रेट एंड कॉन्ट्रैक्ट रेट का डिफरेंस। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेट है और स्पॉट रेट के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, एक्सचेंज डिफरेंस एट ईच बैलेंस शीट डेट, एट ईच बैलेंस शीट डेट। और अगर तो हमने ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेकुलेशन पर्पस के लिए लिया है, स्पेकुलेशन मींस गैम्बलिंग पर्पस के लिए लिया है, सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए लिया है, तो वो कहता है कि एक्सचेंज डिफरेंस आप एक ही बार निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, स्पॉट रेट और जिस दिन आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को बेच देंगे, दैट इज डेट ऑफ
सेल, सेल के डेट का रेट, उस दिन के डिफरेंस को आप क्या बोलेंगे, एक्सचेंज डिफरेंस लेंगे एट द टाइम ऑफ सेल ओनली, एट द टाइम ऑफ सेल ओनली। क्लियर है जी? तो दिस इज योर AS 11, ये हमारा क्या था, AS 11 था। तो तीन चीजें देखिए हमने, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फॉरेन ऑपरेशंस। क्लियर है जी? अब हमें करना है AS 16, दैट इज योर बोरोइंग कॉस्ट। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा स्टैंडर्ड है, देखते हैं जी। AS 16 है जी बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ऑन द बोरोड फंड्स, बोरोड फंड्स जैसे कि लोन वगैरह, तो लोन वगैरह पे जितनी भी कॉस्ट होती है दैट इज नोन एज बोरोइंग कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक होता है इंटरेस्ट कॉस्ट, सबसे कॉमन कॉस्ट क्या होगी जी बोरोड फंड्स पे, इंटरेस्ट कॉस्ट। उसके बाद आता है कमिटमेंट चार्जेस। कमिटमेंट चार्जेस का मतलब क्या होता है, कमिटमेंट चार्जेस मींस अगर आपने किसी से लोन लिया, लोन लिया नहीं अभी आपको मिला नहीं है, लेकिन आपने लोन बुक करा दिया और बुक कराने के बाद आप गए नहीं, तो बैंक क्या करता है कुछ चार्जेस ले लेता है, दैट इज नोन एज कमिटमेंट चार्जेस। वो भी आपकी क्या कहलाएगी, बोरिंग कॉस्ट कहलाएगी। आपने कोई एसेट खरीदा लीज पर, उस लीज की जो पेमेंट करे तो उसमें जो इंटरेस्ट का एलिमेंट है वो भी आपकी बोरिंग कॉस्ट है। एक्सचेंज डिफरेंस इन द नेचर ऑफ फाइनेंस, आपने फॉरेन करेंसी में कोई फॉरेन से लोन लिया, उस पे जो एक्सचेंज डिफरेंस हो रहा है रीपेमेंट के टाइम पे, तो वो भी आपका AS 16 में कवर है। सर अभी तो आपने AS 11 बताया, एक्सचेंज डिफरेंस AS 11 को कवर करता है, नहीं। देखिए अगर एक्सचेंज डिफरेंस आपका AS 16 वाला है, अभी आऊंगा उस पे, तो वो AS 16 में स्पेसिफिकली ट्रीट किया जाएगा, AS 11 में अदर देन AS 16 वाले हमारे एक्सचेंज डिफरेंस थे, ठीक है जी। और डिबेंचर्स वगैरह पे जो डिस्काउंट होता है उसकी अमोर्टाइजेशन करते हैं, वो भी हमारा AS 16 में बोरिंग कॉस्ट का पार्ट बनता है। अभी तक हमें पता था सर बोरिंग कॉस्ट को, हमें इंटरेस्ट वगैरह के एक्सपेंस को हम पीएनएल अकाउंट में डालते थे, लेकिन अब हम देखेंगे कभी कभी इंटरेस्ट की कॉस्ट को कैपिटलाइज भी किया जाता है, मतलब बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज किया जाता है इफ इट इज इनकर्ड ऑन क्वालिफाइंग एसेट। अब बात आती है सर क्वालिफाइंग एसेट क्या है। क्वालिफाइंग एसेट का मतलब होता है वो एसेट जिसको बनने में सब्सटेंशियल पीरियड का टाइम लगता है। सब्सटेंशियल पीरियड क्या होता है, सब्सटेंशियल पीरियड को डिफाइन किया जाता है जनरली 12 महीने से ज्यादा। अगर किसी एसेट को कंस्ट्रक्ट करने में 12 महीने से ज्यादा का टाइम पीरियड लग रहा है तो वो हमारा क्या बन जाएगा, क्वालिफाइंग एसेट। उस पे लिया हुआ है, उस एसेट के लिए लिया हुआ लोन, उसका जो इंटरेस्ट है वो हमारा क्या कहलाएगा, बोरिंग कॉस्ट। वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा एज पर AS 16। अब देखिए AS 16 का एक छोटा सा चार्ट बनवाता हूं मैं स्टूडेंट्स को, वो चार्ट देखते हैं। ये देखिए ये चार्ट क्या कहता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपने सोचा कि आप बिल्डिंग बनाओगे या बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करोगे, यहां पर आपने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन ले लिया आपने यहां पर लेटर से 10 लाख रुपए का। उसके बाद इस डेट पे आपने क्या करा, एक्चुअली में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी, एक्चुअली में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी, ओके। उसके बाद आपका काम चलता रहा, कल चलता रहा, लेकिन यहां पर आपका क्या हुआ, लेबर की स्ट्राइक होगी, लेबर की स्ट्राइक होगी और काम रुक गया, वर्क स्टॉप्ड। उसके बाद आपका यहां पर वर्क दोबारा स्टार्ट हुआ, वर्क रिज्यूम, यहां पर आपकी बिल्डिंग कंप्लीट होगी और यहां पर इस डेट पे आपका लोन हो गया रीपे। अब मुझे बताइए इंटरेस्ट कब से लगना शुरू हो जाएगा। सर इंटरेस्ट तो हमारा यहां से लगना शुरू हो जाएगा और कब तक चलता चला जाएगा इंटरेस्ट हमारा, ये लगता चला जाएगा, ये सब चला जाएगा हमारा, यहां तक लगता चला जाएगा। लेकिन इसमें से कुछ पीरियड का इंटरेस्ट है पीएनएल में जाएगा और कुछ पीरियड का इंटरेस्ट है हमारा कैपिटलाइज हो जाएगा। अगर मैं बोलूं यहां से यहां तक का इंटरेस्ट, इसको मैं काम करता हूं अलग मार्कर यूज करके समझाता हूं, देखिए यहां से यहां तक का इंटरेस्ट, ये वाला जो इंटरेस्ट है ये आपका इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा पीएनएल अकाउंट में, क्योंकि अभी तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, यहां से आपकी कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसको बोलते हैं कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। क्या बोलेंगे हम इसे, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। अब कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन का मतलब कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होना, कैपिटलाइजेशन कब स्टार्ट होगी, AS 16 कहता है कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगी अगर आपकी तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। सबसे पहली इंटरेस्ट कॉस्ट इज बीइंग इनकर्ड, इंटरेस्ट कॉस्ट लगनी चाहिए, वो लग रही है हमारी इस एग्जांपल में।
एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड वो भी लग रहा है हमारा, और एक्टिव डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस, यहां पर क्या हुआ जी एक्टिवली काम स्टार्ट हो गया, एक्टिव डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस। तो ये सारा खर्चा, ये सारा खर्चा यहां से यहां तक का खर्चा, ये वाला जो खर्चा जो है आपका, ये क्या हो जाएगा आपका कैपिटलाइज हो जाएगा, दिस विल बी कैपिटलाइज, मतलब आपके एसेट की कॉस्ट में एड हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ये वाला जो पीरियड है यहां से यहां तक, इस पीरियड को बोलेंगे हम सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, कि कैपिटलाइजेशन रुक जाएगी। कैपिटलाइजेशन रुक जाने का मतलब क्या हुआ, इस पीरियड का इंटरेस्ट आपका पीएनएल अकाउंट में जाएगा। सर कैपिटलाइजेशन कब रुकती है, कैपिटलाइजेशन तब रुकती है अगर कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है, अगर कोई क्या आ जाती है जी दिक्कत परेशानी आ जाती है, दैट इज इफ इंटरप्शन इज ड्यू टू एबनॉर्मल रीजंस। अगर इंटरप्शन क्यों है, एबनॉर्मल रीजन की वजह से है। देखिए अगर इंटरप्शन नॉर्मल है, रोकनी जरूरी है, तो वो कैपिटलाइजेशन को सस्पेंड नहीं करेगा। जैसे कि जैसे मकान बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती है, तो बिल्डिंग पे लेंटर डलते हैं, लेंटर डलने के बाद कुछ टाइम पीरियड के लिए हम उस लेंटर को सूखने के लिए डाल देते हैं। मान लो वो सूखने का टाइम पीरियड है 2-3 महीने का, बड़ी बड़ी कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है 2-3 महीने तक तो वो सूखे ही जा रहा है, तो वो 2-3 महीने का नॉर्मल रीजन है, उसमें आप ये नहीं कह सकते कैपिटलाइजेशन को सस्पेंड कर दो। लेकिन अगर लेबर स्ट्राइक हो गई है वगैरह को, अगर कोई चीज दिक्कत परेशानी आ गई है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। ठीक है जी। उसके बाद जैसे ही वो हमारा काम स्टार्ट हो गया, उसके बाद अगेन आपका क्या हो जाएगा, कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, अगेन ये कैपिटलाइजेशन चलती चली जाएगी। और कब तक चलेगी, जब तक ये वाली स्टेज ना आ जाए, मतलब ये वाली स्टेज, इसको बोलते हैं हम सेसेशन। सेसेशन मतलब बंद हो जाना, खत्म हो जाना, सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन कब कंप्लीट होगी, कब कंप्लीट हो जाएगी, इफ टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड, दैट इज क्वालिफाइंग एसेट इज रेडी फॉर यूज, या तो ये हो जाए, इफ एनी ऑफ द टू कंडीशन सेटिस्फाइड, इज रेडी फॉर यूज, या फिर बोरिंग कॉस्ट इज नॉट इनकर्ड, मतलब अगर हमारा एसेट तैयार है इस्तेमाल करने के लिए। एक होता है रेडी टू यूज और एक होता है पुट टू यूज। मैंने क्या बोला, मैंने बोला यहां पर आपको रेडी टू यूज मतलब इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, तब आप कैपिटलाइजेशन को रोक देंगे, और अगर लोन इससे पहले हो गया तब तो कोई बात ही नहीं। ठीक है जी। अब देखिए बिल्डिंग यहां पर कंप्लीट होगी लेकिन लोन रीपे नहीं हुआ, तो लोन रीपे हो रहा है हमारे यहां पर, तो ये पीरियड में भी इंटरेस्ट का खर्चा लगेगा, ये हमारा जनरल है, पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर है जी। तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा वेदर असेट इज क्वालिफाइंग और नॉट, और क्वालिफाई करने के बाद फिर आपको ये चार्ट ध्यान में रखना पड़ेगा कि भैया कैपिटलाइज करना है या नहीं करना। क्लियर है जी। दिस इज योर मास्टर चार्ट ऑफ AS 16। अब AS 16 में एक एक्सचेंज डिफरेंस वाला भी पॉइंट आता है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए इफ देयर इज एक्सचेंज डिफरेंस ऑन फॉरेन करेंसी बोरिंग्स तो कैसे उसको ट्रीट किया जाएगा। होता क्या है, देखिए एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन करेंसी बोरिंग, इसको हम बोरिंग कॉस्ट बोलेंगे, इसको हम बोरिंग कॉस्ट बोलेंगे, टू द एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन, टू द एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी बोरिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी बोरिंग, और बाकी जितना भी डिफरेंस होगा वो रिमेनिंग जो डिफरेंस रहेगा वो क्या चला जाएगा, हमारा रिमेनिंग डिफरेंस एज पर AS 11 के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। सर ये क्या लिखा, एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। देखो एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। 1418 को एक लोन लिया, ये कितने का लिया, $1,00,000 का, $1,00,000 का लोन लिया, और उस टाइम पे डॉलर का रेट था लेटर से $64 per dollar। तो कितने का लोन हो गया, INR में 64 lakhs का, और रेट है इसका 5% का। ओके 31/3/19 को
मान लो एक्सचेंज रेट हो जाता है कितने का, लेट अस से 68 पर डॉलर, तो लोन कितना हो गया जी 68 लाख रुपीज का। अब मुझे बताइए ये जो 4 लाख रुपए का एक्सचेंज डिफरेंस आ गया, मुझे बताइए 4 लाख रुपए का एक्सचेंज डिफरेंस आ गया, इसको क्या मानूं, खर्चा तो है एक्सपेंस तो है, पहले 64 लाख का लोन था, अब 68 लाख चुकाने पड़ेंगे, तो ये जो 4 लाख का एक्सपेंस बढ़ गया, हमारा लॉस हो गया, इसको मैं AS 16 के हिसाब से लेके जाऊं या AS 11 के हिसाब से लेके जाऊं। वो कहता है AS 16 कहता है कि इसमें से कुछ पोर्शन AS 16 में जाएगा, कुछ AS 11 में जाएगा। AS 16 का अगर मैं पोर्शन निकालू, AS 16 पोर्शन वो कैसे निकलेगा, वो कहता है इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी बोरिंग्स, दैट इज लोकल करेंसी बोरिंग्स का दैट इज 64 लाख का इंटरेस्ट निकालो, 64 लाख का 10%, मान लो 10% है तो कितना निकल के आता है 6.40 लाख। और इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी बोरिंग्स, फॉरेन करेंसी बोरिंग्स कितनी आपकी, वो थी आपकी 1 लाख डॉलर की, 1 लाख डॉलर की, इसका 5%, और रेट कितना है जी 68, क्योंकि इंटरेस्ट का एक्सपेंस तो कब लगेगा, साल के एंड में लगेगा, तो ये निकल के आता है हमारा, ये निकल के आता है हमारा 3.40 लाख। तो ये जो यहां पर 3 लाख रुपए का एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है, ये जो 3 लाख रुपए का एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है, दिस इज एस 16 पार्ट, मतलब इसको मैं बोरिंग कॉस्ट बोलूंगा और AS 16 के हिसाब से ट्रीट करूंगा। अब AS 16 का ट्रीटमेंट क्या है, अगेन वही चीज, अगर क्वालिफाइंग एसेट का था तो कैपिटलाइज हो जाएगा, अदरवाइज ये पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा। और जो बाकी रिमेनिंग डिफरेंस है, रिमेनिंग डिफरेंस कितना था, 4 लाख माइनस 3 लाख, दैट इज 1 लाख। ये 1 लाख का जो रिमेनिंग डिफरेंस है ये बन जाएगा हमारा AS 11 का पार्ट, अगेन वही चीज, या तो पैरा 13 लगेगा या पैरा 46 46 ए लगाया जाएगा। क्लियर है जी, बताइए। तो ये हमारा एक लास्ट टॉपिक था किसमें, ऑन योर AS 16 बोरिंग कॉस्ट। क्लियर है जी, चलिए। सो इसी के साथ हमारी आज की रिवीजन कंप्लीट होती है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगली रिवीजन के टॉपिक्स लिख लीजिए, अगली रिवीजन के जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे, दैट इज दो टॉपिक्स हम रिवाइज करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट रिवीजन में आपको करना है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, एंड इंश्योरेंस क्लेम, दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और दोनों में से क्वेश्चन आते हैं। ये बन गया आपके टॉपिक्स फॉर नेक्स्ट रिवीजन। और आज है ट्यूसडे और हमारी अगली रिवीजन डलेगी संडे, संडे इवनिंग तक आपको ये वीडियो मिलेगी जिसमें हमारे पास रहेंगे टॉपिक इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग एंड इंश्योरेंस क्लेम। तो आई होप आप लोगों को इस रिवीजन सीरीज का काफी बेनिफिट हो रहा होगा, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए किस तरीके से आपको फील आ रहा है, कैसा आपको लग रहा है, क्या इसका कुछ बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर आपको लगता है कि सर कुछ कमी है तो प्लीज वो भी मुझे बताइए, लेकिन बताइए जरूर, जब तक बताएंगे नहीं तो मेरे तक वो चीज पहुंचेगी नहीं। ठीक है जी, चलिए फिर। और जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं तो प्लीज उनके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।